हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकल पड़े हैं। जी हाँ, पंजाब से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर हरियाणा की तरफ निकल गए हैं। वहीं किसानों की हरियाणा में सीमा में एंट्री ना हो, इसके लिए हरियाणा पंजाब की हर बॉर्डर पर पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। यहाँ पे हजारों का सैन्य बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है ताकि आंदोलन भड़क ना सके। इसी तरह 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, ये आंदोलन एमएसपी की गारंटी को लेकर हो रहा है। जी हाँ, एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने के साथ ही अलग मांगों के लिए पंजाब और हरियाणा, साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों ने विरोध प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। किसान संगठन कल यानी 13 फरवरी को दिल्ली में कूच करेंगे। वो अपनी मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें, इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आ रहा है। किसानों के दिल्ली कूच पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हरियाणा सरकार पंजाब के किसानों को रोकने के लिए कंटीले तार लगा रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब और भारत के बीच ही दरार पैदा हो जाए और कंटीले तार की नौबत आ जाए। उन्होंने आगे कहा है कि ये देश हित में नहीं होगा। किसानों का मसला बातचीत से भी हल किया जा सकता है। केंद्र सरकार को बातचीत की पहल करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जी हाँ, किसान आंदोलन पर भगवंत मान का ये बड़ा बयान सामने आया है। अब कल 13 जनवरी को देखना ये होगा कि किसान आंदोलन किस तरफ रुख लेता है।